करतारपुर कॉरिडोर पर भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच तीसरे दौर की बातचीत पूरी हो गई है और नतीजा ये निकला है कि भारत के सिख श्रद्धालु अब बिना वीजा के पूरे साल करतारपुर साहिब के दर्शन करने के लिए जा सकेंगे। साथ ही इस कॉरिडोर के जरिए भारतीय मूल के वो लोग जिनके पास ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का कार्ड है वो भी करतारपुर साहिब के दर्शन कर सकेंगे। जाहिर है इस समझौते के बाद रोजाना 5,000 श्रद्धालु करतारपुर कॉरिडोर के जरिए करतारपुर साहिब दर्शनों के लिए जा सकेंगे। करतारपुर कॉरिडोर पूरे साल खुला रहेगा, श्रद्धालुओं के पास अकेले और समूह दोनों में जाने की सुविधा होगी। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच करतारपुर कॉरिडोर से आपात निकासी पर भी चर्चा हुई जिस पर दोनों देश राजी हो गए, खासकर उन मौकों के लिए जब मेडिकल इमरजेंसी की हालत हो। दोनों देश कॉरिडोर से करतारपुर जाने वाले यात्रियों की जानकारी को मुहैया कराने की प्रक्रिया पर भी सहमत हो गए हैं। पाकिस्तान प्रसाद और लंगर के लिए भी जरूरी इंतजाम करने पर राजी हो गया है। हालांकि पाकिस्तान गुरुद्वारा परिसर में भारतीय अधिकारियों की उपस्थिति को लेकर अभी भी ऐतराज जता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV।